ये है फ्रांस का शेरपा लाइट, ये है साउथ अफ्रीका का RG-32 स्काउट, ये है कोरिया का किया द्वारा बनाया गया LTV और ये है अमेरिका की अमेरिकन कंपनी ओशकोश द्वारा बनाया गया JLTV जिसने हम्वी को रिप्लेस किया है। ये जितनी भी गाड़ियां मैंने अभी आपको दिखाई हैं, ये सभी की सभी लाइट मल्टी यूटिलिटी आर्मर्ड व्हीकल की कैटेगरी में आती है। ये आर्मर्ड गाड़ियां सेना के जवानों को वॉर जोन में प्रोटेक्शन देते हुए मूव करने में मदद करती हैं। और इन सब में कॉमन बात यह है कि ये इन देशों की कंपनीज द्वारा ग्राउंड अप डेवलप करी गई हैं, इनकी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फोर्स होने के बाद भी इंडिया में खुद की ग्राउंड अप डेवलप्ड कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी अभी तक, बल्कि लाइट यूटिलिटी आर्मर्ड व्हीकल के नाम पर महिंद्रा अभी तक रक्षक नाम की ये गाड़ी यूज़ कर रहा था जो कि डोनर गाड़ी की शैसी पर बनाई जाती थी। लेकिन देर सवेदी से ही इंडिया ने भी एक इंटरनेशनल लेवल की ऐसी ही गाड़ी डेवलप कर ली है और इसका अंदाजा पहली बार तब लगा जब मार्च 22, 2021 में SP शुक्ला जो कि महिंद्रा ग्रुप में डिफेंस एरो और एग्री हेड हैं वो ट्वीट करके रिवील करते हैं कि महिंद्रा डिफेंस को आर्मी की तरफ से 1056 करोड़ का आर्मर लाइट स्पेशलिटी व्हीकल बनाने का ऑर्डर मिला है जिसमें कि महिंद्रा को 1300 फुली ग्राउंड अप डेवलप्ड लाइट आर्मर व्हीकल्स इंडियन आर्मी को देने थे। और ये खबर सुनते ही पूरे के पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस छा गई जहां पर इस गाड़ी के बारे में बताया जाने लगा। लेकिन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि क्यों ये इंडिया का तेजस मूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स। एंड ऑब्वियसली मैं ऐसा इसलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि महिंद्रा ने अपनी इस ALSV यानी कि आर्मर्ड लाइट स्पेशलिटी व्हीकल को इंडिया में ग्राउंड अप डेवलप करा है इंडियन आर्मी की नीड्स को समझते हुए, जैसे कि तेजस को बनाया गया था। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया की जो सीमाएं हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स लैंड्स पर हैं, कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं पर पहाड़ हैं। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे देश ऐसी गाड़ियों को दूसरे देशों से खरीदते हैं या फिर किसी डोनर गाड़ी की शैसी पर मॉडिफाई करके बनाते हैं जैसे इंडिया की रक्षक गाड़ी बनाई जाती है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर इंडिया के पास IP राइट्स होंगे ऐसी गाड़ी के जैसे महिंद्रा के पास हैं अब ALSV के, तो हम इन गाड़ियों को दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं, खासकर डेवलपिंग देशों के अंदर, क्योंकि इंडिया जाना ही जाता है अपनी कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग के लिए। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये गाड़ी है क्या, ये किस काम के लिए बनाई गई है, ये बाहर मिलने वाली किन गाड़ियों से कम्पीट करती है और सेना के लिए ये कितनी ज़्यादा कारगर होने वाली है। और आज इस गाड़ी की वजह से हमें ये भी पता लगने वाला है कि इंडिया की डिफेंस इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटीज कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसकी कहानी शुरू होती है आप लोगों के इस चैनल को ना सब्सक्राइब करने से। ये कौन 80% लोग हैं यार जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, यार कर लो, फ्री ही है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है चाइना के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक आर्मर्ड व्हीकल के नंबर्स के मामले में इंडिया 7th रैंक पर आता है और साउथ कोरिया, जापान और टर्की जैसे देशों से भी पीछे हैं हम। चलो बाकी देश तो फिर भी ठीक है, लेकिन टर्की से पीछे होना ये वाली बात थोड़ी चुभती है। लेकिन ये चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि इंडियन आर्मी या तो साउथ अफ्रीका से डायरेक्टली इंपोर्ट करती है ऐसी गाड़ियों को या उनके साथ जॉइंट वेंचर में बनाती है, जिसकी वजह से इंडिया की डिपेंडेंसी उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा खर्चा भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन वहीं अगर हम साउथ कोरियन आर्मी की बात करें जो हमसे आगे हैं इस मामले के अंदर, तो उनकी होम ग्रोन कंपनी किया द्वारा डेवलप्ड लाइट टेक्टिकल व्हीकल वो लोग यूज़ करते हैं जो कि महिंद्रा की ALSV वाली कैटेगरी में ही आता है। और क्योंकि एक उनके खुद के घर में डेवलप की जा रही है, इसकी वजह से उनके पास ये गाड़ी बहुत बड़े नंबर्स में है। कितने बड़े? 10,000 व्हीकल है उनके पास ऐसे, और ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इवन दो इंडियन आर्मी साउथ अफ्रीका से ऐसी गाड़ियां इंपोर्ट कर रही है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो लाइट टेक्टिकल व्हीकल कैटेगरी में इंडियन आर्मी के पास अभी तक भी कोई भी व्हीकल नहीं है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझने के लिए हमें व्हीकल्स की क्लासिफिकेशन समझनी पड़ेगी। सो आर्मी के पास आर्मर्ड व्हीकल की दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, जिनका रोल डिफेंसिव से ज्यादा ऑफेंसिव होता है, यानी कि ये लड़ाई के लिए उतारे जाते हैं, जैसे कि BMP-1 और 2, या जिनको फेज आउट करने वाली है वो है टाटा कैस्ट्रल, ये भी एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। और दूसरे हैं APCs यानी कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, और इनमें भी दो तरीके की कैटेगरी होती हैं। एक होती है माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड यानी कि MRAPs, और दूसरे होते हैं लाइट मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। और इन दोनों के अंदर ही हम टेक्निकल डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे आगे चल के। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ये जो MRAPs होते हैं ये ज़्यादा लोड कैरी कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन ये काफ़ी कम एजाइल होते हैं अपने वजन की वजह से। लेकिन ये जो LMUVs होते हैं ये फास्ट और मनूवरेबल होते हैं और इन्हें एयरक्राफ्ट द्वारा कैरी और ड्रॉप भी किया जा सकता है। और महिंद्रा का जो ALSV है वो इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन आजकल लाइट टेक्टिकल व्हीकल्स को MRAP भी बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर भी माइन प्रोटेक्शन मिलने लगा है, लेकिन इनका प्रोटेक्शन उस लेवल का नहीं होता जो कि असली MRAPs के अंदर होता है।
और इसीलिए हम इन्हें उन गाड़ियों से अलग रखेंगे। अब अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो उनके पास एमरैप में अफ्रीकन ओरिजिन के कैस्पर MK2 या उसका लाइसेंस्ड वर्जन आदित्य है, जो कि लोकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाता है। और रिसेंटली इसी कैटेगरी के अंदर कल्याणी M4 को भी ऐड किया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका के M-Bomb 4 पर बेस्ड है। और इसी कैटेगरी में महिंद्रा की ये और टाटा की ये वाली गाड़ी भी आती है। लेकिन लाइट यूटिलिटी व्हीकल के नाम पर इंडियन आर्मी के पास अभी तक कमांडर जीप की शैसी पर बेस्ड कॉम्पोजिट आर्मर्ड प्लेटेड महिंद्रा रक्षक ही थी, और ये गाड़ी कहीं से कहीं तक भी मिलिट्री के लिए कैपेबल नहीं थी। हाँ, ये 7.62 या AK-47 के राउंड्स के खिलाफ तो प्रोटेक्शन देती है, लेकिन आखिरकार ये है तो जीप ही, और इसीलिए माइंस के खिलाफ बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं देती है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि ये रक्षक गाड़ी एक डोनर गाड़ी पर बेस्ड होती है जैसे कि स्कॉर्पियो, तो इसके अंदर ये देखने को मिलते हैं जो इनके इंजन और ट्रांसमिशन होते हैं ये उस गाड़ी का वेट झेलने के लिए बने होते हैं जो OEM द्वारा बनाई गई थी, यानी कि 1600 से 1800 किलोग्राम के आसपास। लेकिन क्योंकि इनके अंदर आर्मरिंग ऐड कर दी जाती है तो इनका वजन 2600 किलोग्राम तक हो जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ियां पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा स्लगिश फील होने लगती हैं। और बावजूद इस बात के कि इस गाड़ी को बनाना कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी इस गाड़ी को बनाने के लिए भी इजरायली बेस्ड कंपनी प्लासम की मदद ली गई थी। लेकिन वहीं अगर हम इसे कंपेयर करें महिंद्रा की लेटेस्ट ALSV से, तो ये देखने में मिलता है कि ये गाड़ी सही मामले में मिलिट्री के लिए कैपेबल व्हीकल है, और इसीलिए इस गाड़ी को रक्षक से रिप्लेस किया जा रहा है। और इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमें इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस देखनी पड़ेंगी। तो चलो बिना कोई देरी करे इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस पर कूद पड़ते हैं। इस गाड़ी में स्टायर द्वारा बनाया गया 3.2 लीटर का इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड टर्बोचार्ज्ड 6-सिलेंडर इंजन दिया जा रहा है, जो कि डीजल वाला इंजन है। ये गाड़ी 215 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है 3600 RPM पर, और एकदम बेहतरीन 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, वो भी सिर्फ 2000 RPM पर। ये गाड़ी 0 से 60 किलोमीटर की रफ्तार 12 सेकंड में पकड़ सकती है, जो कि इसके साइज और वजन के हिसाब से काफी ठीक है। और ये गाड़ी 1000 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 से 8 लोगों को भी ले जा सकती है। ये 4-व्हील ड्राइव है, 4-6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, और फ्रंट एंड बैक में इसमें डबल विशवोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिया गया है, और साथ ही फ्रंट और रियर के अंदर डिफरेंशियल लॉक्स भी हैं, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबल बन जाती है। लेकिन यहाँ पर हम एक आर्मी की गाड़ी की बात कर रहे हैं, और सिर्फ ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ बताने से यहाँ काम नहीं चलेगा। तो चलो यहाँ पर आर्मी वाली स्पेसिफिकेशन की बात भी कर लेते हैं, और इस चीज़ को शुरू करते हैं हम आर्मरिंग से। तो इस गाड़ी के अंदर CENB-7 यानी कि हाइएस्ट बैलिस्टिक प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी हाई वेलोसिटी स्टील पियर्सिंग राउंड्स को भी झेल सकती है। और इसके अंदर नाटो के स्टेनेंग 4567 स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, जो कि ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर गाड़ी कितने किलो के माइन से प्रोटेक्शन दे सकती है। और ALSV में देखने में मिलता है कि इसके अंदर स्टेनेंग लेवल 2 आता है, यानी कि ये 6 किलोग्राम तक के एक्सप्लोसिव को झेल सकती है, और 80 मीटर दूर से 155 mm के मोर्टार के शेल को भी झेल सकती है। और इसके फ्रंट और रेयर में स्टेनेंग 1 लेवल की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि 2 लेवल तक अपग्रेड करी जा सकती है। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर 400 किलोग्राम तक का बैटल लोड लिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें रन फ्लैट टायर मिलते हैं जो 50 किलोमीटर तक चल सकते हैं बिना हवा के। टायर इन्फ्लेशन सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही इसकी हवा भर सकते हैं। इसमें गन हैच दिया गया है, और एडिशनली इसमें ग्रेनेड लॉन्चर, मीडियम मशीन गन और सर्वेलेंस इक्विपमेंट जैसी चीजों को माउंट करने के लिए जगह दी गई है। इसके अलावा इसमें सर्विस GPS, टेक्टिकल कमांड एंड कंट्रोल विद मैपिंग, हाई एंड वेरी हाई अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी रेडियो भी दिए गए हैं। अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन समझ गए हैं, और इससे हमें ये समझ में आ गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल गाड़ी है। लेकिन ये स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी के लिए कैसे बेस्ट फिट है, वो समझने के लिए हमें कुछ और भी गाड़ियों को देखना पड़ेगा जो इस कैटेगरी में आती हैं। तो चलो इसके लिए कुछ इंटरनेशनल मार्केट में मिलने वाली गाड़ियों पर नज़र डालते हैं, जैसे कि पोलैंड की टूर 1, फ्रांस की शेरपा लाइट, साउथ अफ्रीका की RG-32 स्काउट, चेक की टाटा ट्रक पे बेस्ड एक्सकैलिबर T-8157, डच कंपनी की इवाको LMV, किया की LTV, जर्मन मेड आर्मर्ड मल्टीपर्पस व्हीकल, इजिप्ट की तमसा, स्विस आर्मी की मोवैंग ईगल, और चाइना बेस्ड नॉरिनॉक की VN-21, और फाइनली जिसका आप सबको इंतजार था यानी कि US की हम्बी। लेकिन इस गाड़ी को क्योंकि ऑशकॉश ने रिप्लेस कर दिया अपने लाइट टेक्टिकल व्हीकल की मदद से, तो हम इसमें JLTV की बात कर रहे हैं। अब इन सभी गाड़ियों को देखने और इनकी स्पेसिफिकेशन पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा भारी हैं। एंड इवन दो ये गाड़ियाँ लाइट कैटेगरी में आती हैं, फिर भी इनमें से किसी भी गाड़ी का वजन 4.5 टन से कम नहीं है। और देखा जाए तो जो ऑशकॉश की JLTV है वो तो 9 टन की है, और चेक कंपनी की एक्सकैलिबर पेट्रियट 12 टन की है। इसमें से ज़्यादातर गाड़ियों में स्टैंडिंग लेवल 2 का प्रोटेक्शन दिया गया है, कुछ के बारे में मुझे पता नहीं लग पाया, और चाइना की गाड़ी में लेवल 1 का प्रोटेक्शन है। और अगर हम इंजन कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो मैंने यहाँ पर ये नोटिस किया है कि यहाँ पर कई गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा भारी हैं उनके इंजन कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे कि पोलैंड की टूर 1 4.8 टन की है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 166 हॉर्स पावर मिलती है,
और फ्रांस की शेरपा 7.7 टन की है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 215 हॉर्स पावर मिलती है, मतलब वजन के हिसाब से पावर काफ़ी कम है। वहीं अगर हम अपनी ALSV को देखें तो उसके अंदर 216 हॉर्स पावर मिलती है, लेकिन उसका वजन सिर्फ 2.5 टन है। और इसके हल्के वजन और कंपैरेटिवली बेटर पावर से हमें ये समझ में आता है कि ये गाड़ी रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक दोनों पर ही तेज़ी से मूव करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इंडिया की सीमा चाइना और पाकिस्तान से मिलती है, जो कि हमारे बड़े दुश्मन देश हैं, और वहाँ पर एक्सट्रीम टेरेन्स हैं। लेकिन हमें यह भी देखने को मिलता है कि कोरिया और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इस तरीके की टेरेन्स नहीं है, ज़्यादातर वहाँ पर फ्लैट प्लेन है, और इसी वजह से उन्होंने अपनी गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा भारी रखा है। खैर, ऐसा नहीं है कि महिंद्रा ने इस गाड़ी को पहली बार में ही परफेक्ट बना लिया है। महिंद्रा ने भी इससे पहले बाहर के देशों की नकल करते हुए आर्मी के लिए एक हम्वी जैसी गाड़ी बनाई थी, जिसका नाम एक्स था, या आग से, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको। लेकिन इसकी टेस्टिंग चली और इस गाड़ी को इंडक्ट नहीं किया गया, क्योंकि इसको आर्मी द्वारा शायद फेल कर दिया गया था, और इसका बड़ा रीज़न यही हो सकता है क्योंकि ये कैपेबल नहीं थी उतनी जितनी अभी वाली गाड़ी है। खैर, जो भी चीज़ होती है वो अच्छे के लिए ही होती है। आज ना ही सिर्फ इस गाड़ी का ऑर्डर मिला है महिंद्रा को, बल्कि उनके पास इसके फुल IP राइट्स भी हैं, जिसका फ़ायदा ना सिर्फ इसके वेरिएंट्स बनाने में होगा, बल्कि फुल लाइफ साइकिल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराने में किया जा सकता है, क्योंकि महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ही इसके OEM है। लेकिन एक चीज़ और है जो इस गाड़ी की वजह से इंडिया को मिलेगी, और वो है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। मॉडर्न वॉरफेयर में ह्यूमन लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और इसीलिए वर्ल्ड वॉर की तरह मॉडर्न वॉरफेयर में ह्यूमन वेव अटैक नहीं किए जाते हैं, और इसीलिए आर्मीज का ध्यान क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर है, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से दुनिया के अंदर आर्मर टेक्टिकल व्हीकल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर हम सिर्फ मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन की बात करें तो यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल की मार्केट 3.7 बिलियन की है, और ये 2030 तक 5.8 बिलियन तक पहुंच जाएगी, और यहीं पर बेस्ट मौका है महिंद्रा की ALSV को प्लेस करने का। ये गाड़ी हल्की है, फास्ट है, ज़्यादा एजाइल है, किसी भी तरीके की टेरेन पर चल सकती है, और ये गाड़ी इराक जैसी जगहों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हमें वहाँ ये देखने को मिला था कि हम्वी जैसी गाड़ियों ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्म करा था जब वहाँ पर उनका युद्ध चल रहा था, अटक जाया करती थी ये गाड़ी वहाँ पर। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि डेजर्ट के लिए एक अल्ट्रा लाइट व्हीकल चाहिए होता है जिसका इंजन ज़्यादा तगड़ा हो, और अगर इसके ऊपर से स्टैंडिंग लेवल 2 की प्रोटेक्शन मिल जाए, जो कि ALSV में आती ही है, तो सोने पे सुहागा है। और इससे ना सिर्फ महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ग्लोबल जाएगा, बल्कि इंडिया भी डिफेंस एक्सपोर्ट में बड़ा बनेगा, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फोर्स को APCs सप्लाई कर सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता। अब अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो से आपके पिछले 10-15 मिनट में कुछ भी वैल्यू ऐड हुई हो, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर छोड़िए। और हाँ, जाते आते मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी ज़रूर चेकआउट करिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। थैंक यू।